आत्मा वह है कि भले ही उसके पास कुछ नहीं है पर वो किसी से कुछ चाहता भी नहीं है, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान श्रीमान उसके चरणों में नाक रगड़ते हैं। वो स्वयं आशीर्वाद देता है, आत्मसाग के गुण से कुछ मांगता नहीं, इसलिए वो महात्मा है, महान आत्मा है। सहंसाओं पर सहंसाह बन करके मस्त रह जाता है, तभी तो सम्राट चरणों में सिर झुकाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए महात्मा सन्यासी ब्राह्मण को समझा रहा है, ब्राह्मण देवता, सन्यासे सर्वथा सुखम, जीवन में सुख चाहते हो तो मेरे साथ सन्यासी बन के चलो, जिंदगी का आनंद देखो। खूब बढ़िया प्रवचन सुनाया, पर हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी लोग क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, पापा पापा करके बोलते हैं, तो उनके तोतली वाणी सुनकर के कान में रसगुल्ला जैसा रस भर जाता है महाराज। कितना प्यार आता है, कितना आनंद आता है। आप नहीं समझोगे इन बातों को महाराज, रहने दो, आप बाबा बैरागी त्यागी महात्मा ठहरे। इसलिए मुझे तो प्रवचन नहीं सुनना आपका, मुझे तो बस आशीर्वाद चाहिए, एक बेटा हो जाए बस, ज्यादा नहीं चाहिए। महात्मा समझ गए इस पर कुछ ज्यादा ही बेटे का भूत चढ़ा है। इतनी देर समझाया, इतना सब समझाया, इसकी तो समझ में कुछ नहीं आया। सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे, अब बता ही देते हैं। क्या बोले? हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, कितना भी सिर पटक के मर जाओ, सात जन्म तक तुम्हें कभी संतान नहीं हो। जो ये शब्द सुना, पंडित जी इतने दुखी हो गए, इतना धक्का लगा, जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा डर गए, पंडित जी क्या कर रहे हो आप, मर जाओगे, अपना सिर फोड़ लिया, सिर पटकने से कोई बेटा मिल जाएगा? पंडित जी बोले, मैं कुछ नहीं जानता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, इतना जानता हूं कि महाराज जी आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ठीक नहीं होगा, क्या करोगे? बोले, नोचे त्यजाम्यहम प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः, बेटा नहीं दोगे तो दोबारा सिर पटकूंगा और आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। अब महात्मा की धड़कन तेज, वही है भगवान, कछु लेना न देना, मगन रहना, अपनी मस्ती में जंगल में मौज से घूम रहे थे, अच्छी राम राम हो गई इससे, ये तो हमको ही ब्रह्म हत्या लगाने लगा। हाथ जोड़ के महात्मा ने समझाया, देख भाई, मेरे पास कोई फैक्ट्री है नहीं है, मैंने तेरे से दान दक्षिणा कुछ ली नहीं है, वचन तुझे दिया नहीं था कि मैं कर दूंगा तेरा मनोरथ से, तो भैया तू मुझे ब्रह्महत्या क्यों लगा रहा है, मुझे छोड़, फिर तुझे जो करना हो करता करता रहना। बोले, नहीं महाराज, त्वदग्रे, जो कुछ करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा। बाबा जी समझ गए, पंडित खतरनाक है भाई, पिंड छोड़ाना ही मुश्किल है, बिना कुछ लिए दिए पीछे पड़ गए, मर गया तो सचमुच ब्रह्महत्या लग जाएगी मेरे को, क्या करूं? थोड़ा विचार किया और बगल में से एक फल निकाला महात्मा ने, पंडित जी को देते हुए कहा, सुनो पंडित जी, अब तुम नहीं मान रहे तो मरो मत, ये हम तुम्हें आशीर्वाद में अपना फल दे रहे हैं, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल पत्नी को खिलाना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा ही होगा। सुनते ही नाचने लगे ब्राह्मण देवता, अरे महाराज, संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, और बताइए महाराज, आप जो करो कहोगे मैं सब कुछ करूंगा, बस आपका आशीर्वाद सफल हो। दो चार नियम बता दिए, पंडित जी भागे वहां से, और महात्मा ने अपनी जान बचाई, राहत की सांस ली। पंडित जी भागे भागे घर पहुंचे, अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। भाग के पंडितानी आई भीतर से, आज सवेरे के निकले, न जाने क्या माल लेके आए होंगे। क्या लाए हो जी? देखो कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले।
पंडितानी ने माथा ढोका, गला फाड़ के तो ऐसे बुलाए थे जैसे नौ लखा हार लेके आए हो मेरे लिए। मैंने फल नहीं खाया कि आज तक है? एक फल दिखा रहे हो, हरी बाबरी, ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने दिया है, आशीर्वाद का फल है, खाएगी तो गारंटी से कृपा चालू हो जाएगी। कृपा रुकी पड़ी थी ना, बोलो राधे राधे। जैसे महात्मा लोग आजकल कहते हैं ना, हरी चटनी से समोसा खाओ कृपा चालू हो जाएगी। तो जो कृपा रुक गई है ना, महाराज जी का आशीर्वाद है, फल खाओगी कृपा हो जाएगी। पंडितानी ने कहा तब तो मैं जरूर खाऊंगी, आप अपना काम करो, मैं नहाऊंगी धोऊंगी पूजा पाठ करके भोग लगा के फिर खाऊंगी। हाँ ठीक कह रही, और ध्यान से खा लेना, भूल मत जाना, समझा करके फल दे के पंडित जी तो इधर उधर चले गए घूमने। पंडितानी ने दिमाग घुमाया, फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्भेण उदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली ठहरी, तर्क वितर्क करने लगी, फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती हो गई तो घर का काम कैसे कर पाऊंगी। मैंने सुना है गर्भिणी स्त्री को ज्यादा काम नहीं करने चाहिए, तो यदि मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा। वैसे अपनी ननद को बुला लेती हूँ, कुछ दिन के लिए घर संभाल लिया करेगी, और बाद में जब वो बुआ बनेगी तो उसको कुछ ना कुछ देना तो वैसे ही पड़ता है, कुछ और ज्यादा दे दूंगी, और जब देना ही पड़ रहा है तो घर का ही काम क्यों ना करवाऊं, उसी को बुला लेगी। फिर बोली नहीं नहीं, वो महा छोटी है, उसको कहीं बुला लिया तो मेरा तो घर ही साफ कर जाएगी, वो जब जब आती है कुछ ना कुछ हाथ साफ कर जाती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और उसी के भरोसे पर यदि घर छोड़ दिया मैंने तो भला बिल्ली के भरोसे दूध की कहीं रखवाली होती है। नहीं नहीं वो भी ठीक नहीं, क्या करूं फिर। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि सुखदेव जी 12 साल तक मैया के पेट में ही रहे थे, मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। सनकादिक कहते हैं नारद जी इतने कुतर्क कर डाले इसने, निर्णय लिया मैं तो फल नहीं खाऊंगी, इतने बड़े संकट को मोल नहीं लूंगी। लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मति। धुंधली कह रही है बच्चे के जन्म के समय माँ को कितनी दुस्सह वेदना कष्ट भोगना पड़ता है, और ठीक ठाक बच्चा हो गया तो फिर बच्चे को पालने में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, मलमूत्र त्यागता रहता है, गंदगी करता रहता है, रात में सोने नहीं देता, रोता रहता है, उसी के पीछे मैया को तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। लालने पालने दुखम, और इतना ही नहीं, इन सब बातों को सोच विचार करके मैंने तो फैसला लिया है कि संसार में दो ही स्त्रियां सुखी हैं, या तो बंध्या जिसके बच्चे नहीं हुए, अथवा विधवा जिसके पति जैसी आराम हो गए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई झंझट नहीं, अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना, ये दो स्त्रियां ही सुखी हैं। बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मति, और की तो और जाने, मैं अपनी बुद्धि की बात कर रही हूं, मे मति मेरी बुद्धि से तो ये दो स्त्रियां सुखी हैं, बाकी तो सब परेशान। फल नहीं खाए।